सुमित्रा महाजन एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2014 से 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष थीं। वह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। उन्होंने 1989 से 2019 तक मध्य प्रदेश के इंदौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सबसे लंबे समय तक सांसद की महिला सदस्य के रूप में किया और फिर चुनावी राजनीति से सेवानिवृत्त हो गईं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटीज वीडियो की सीरीज है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कॉन्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200-681-675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। सुमित्रा महाजन का जन्म चित्पावन ब्राह्मण परिवार में उषा और पुरुषोत्तम साठे के घर चिपलून महाराष्ट्र में हुआ था। इंदौर के जयंत महाजन से शादी करने के बाद उन्होंने इंदौर विश्वविद्यालय में एमए और एलएलबी की। सुमित्रा महाजन के शौक में पढ़ना, संगीत, नाटक और सिनेमा के साथ साथ गायन का उत्साह भी शामिल है। उन्होंने 18वीं सदी की समाज सुधारक अहिल्याबाई होलकर को अपने पूरे जीवन में प्रेरक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है और अहिल्याबाई होलकर की जीवन यात्रा मातोश्री पर एक किताब लिखी है जिसका अनावरण 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पॉलिटिकल कैरियर। सुमित्रा महाजन ने 1982 में इंदौर नगर निगम में एक नगर सेवक के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वह बाद में 1984 में इंदौर नगर निगम के उप महापौर के रूप में चुनी गईं। वह पहली बार दौड़ी और 1989 में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ लोकसभा चुनाव जीती। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के बीच ताई के नाम से लोकप्रिय हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा। 6 जून 2014 को महाजन को सर्वसम्मति से 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने पहले लोकसभा में सभापति के पैनल के सदस्य के रूप में काम किया था। उन्होंने सदन में अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस के 25 सांसदों को 5 दिनों के लिए सदन में निलंबित करने का कदम उठाया। कंट्रोवर्सी। इंदौर स्थित महाराष्ट्र ब्राह्मण सरकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार धडवले ने आरोप लगाया कि 1997 और 2003 के बीच बैंक में हुए घोटालों में सुमित्रा महाजन और उनके बेटे मिलिंद महाजन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सुमित्रा महाजन इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार में मंत्री थी। तो ये थी सुमित्रा महाजन जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद और जय भारत।